अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हमारे पास गाड़ी है वो है फार की XPV। मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी को, हमने जो है छोटी मोटी इसकी रिस्टोरेशन करनी है, इसके काम कराने हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि ये बोनट पे जो वेवीनेस है और जीप से बोनट पेंट होगा, और ये फेंडर पे जो अभी देख रहे हैं ये पुटीन फटी हुई है ना, तो ये सेट होगी। उसके अलावा ये गाड़ी आपको मैं एक पूरा ना गाड़ी का ना वॉक अराउंड देता हूँ, इस गाड़ी के छोटे छोटे काम हैं। तो आज जो है ना चलते हैं, इस गाड़ी कुछ काम करवाते हैं। तो हमने इस गाड़ी को रिस्टोर करना है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इसके बैक लाइट का जो है, ये फोकस कर लूँ कैमरे का, कवर टूटा हुआ, इसको हमने यहाँ से रिपेयर कराना है। दूसरा मसला गाड़ी में जो है वो ये है कि गाड़ी के जैसे स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं आपको चाबी ला के दिखाता हूँ, तो उसका आरपीएम एकदम जंप कर जाता है, और इसका जो रेडिएटर का फ़ैन है, इसका इंजन होता है नीचे, तो वो जो है ख़राब है, तो वो चेंज कराना है। और जैसा कि आप ये छत की हालत देख सकते हैं, छत जो है काफ़ी मैली है, और ये स्टिकरिंग वगैरह लगी हुई, ये हमने जो है ना उतारनी है। गाड़ी को हमें टोटली शोरूम कंडीशन में लाना है, क्योंकि गाड़ी हमने करनी है सेल। तो ये छोटे छोटे काम है गाड़ी करवाने हैं, चौथे चले चलते हैं। सबसे पहले मैं चाबी ले गया आपको ना उसको सेल्फ मार के दिखाता हूँ कि स्कॉर्पियो का क्या इशू है। देखना कि जिसका आरपीएम देखना आप, देखिए कैसे आरपीएम जो उसका जंप कर गया। और दूसरी बात यह है कि इंजन चेक लाइट आ रही है जो है, ये सेट करानी है, और ब्रेक की चेक लाइट आती है वो भी नहीं आ रही, वो सेट करानी है। तो डैशबोर्ड भी जो है इसका रफ सा हुआ, मतलब पूरी गाड़ी को हमने रिस्टोर करना है, सेल करने के लिए तैयार करना है, शोरूम कंडीशन में लाना है। अब जैसे ही मैं देखें आरपीएम रेस पावर का, मैंने रेस पावर उठा लिया है। अब ये देखें, अब मैं ये रेस से उठा लिया तो फिर भी जो है ना कार में ऊपर खड़ा है, तो ये सेट कराना है। एसी भी अभी नहीं वर्किंग में, तो चलते हैं सबसे पहले कार इलेक्ट्रिशियन के पास, और फिर अपने जो है ना ये सारे काम कराते हैं। अभी जो है मैं गाड़ी को जो है ना रिवर्स कर रहा हूँ। अभी ना गाड़ी का एक तो मसला ये है, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, जिसकी लेफ्ट साइड की पिछली कमानी है ना, उससे बड़ी गंदी ही ना आवाज़ आती है गाड़ी में से, जैसा कि अगर आपको ये वीडियो में आ भी रही हो ना आवाज़, तो ये भी जो है हम चेक करवानी है। तो चलते हैं हम, सबसे पहले जो है उसको उठाते हैं अपने दोस्त उमर को, तो फिर हम आगे जो है मजीद कामों के लिए चलते हैं। कॉल किया उमर को, आ रहा है वो, उसका वेट करो। गर्मी बहुत है बाहर, इस टाइम भी 38-40 के राउंड अबाउट टेम्परेचर है, और जो है एसी ना हो गाड़ी में तो उसके जो है बगैर गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। अभी देखते हैं आ रहा है तो फिर चलते हैं। ये जो है आ गया बाहर, अब इसका जो है ना इतना भेड़ा मुंह बना के जाएगा, आएगा और कहेगा गर्मी है गर्मी है, और जो है ये इसकी सुनना। अभी अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं अपना व्लॉग। बहुत बुरी बात, इखलाक से गिरी बात नहीं करनी। कैसी गर्मी है गाड़ी में? चल यार घर में कहना बैठे, तो सेट थी वैसे। आपको गाड़ी में बैठ कैसा लग रहा है? जहाज लग रहा है, जहाज लग रहा है। चलें चलते हैं। अच्छा ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी हीट की सुई जो है दरमियान में गई खड़ी है, तो ये फैन जो है इसका खराब है, इस वजह से जो है ना हीट की सुई जो है ना दरमियान में जो गई खड़ी। और एक ये चेक लाइट आ रही थी, दूसरी आपको बता रहा था, गर्मी जो है यार बाहर बहुत ज़्यादा किस्म की गर्मी है, गंदी किस्म की गर्मी है। ऐसे चल लग रहा है जैसे यार मैं कोई तंदूर में बैठा हूँ। बस जी अब जा रहे हैं, अब देखते हैं इसका काम करवाते हैं। अरे तो आरपीएम भी ज़्यादा है, जिस वजह से ना गाड़ी ना पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है, और अब हीट भी हो रही है। अब और इसका मसला ये होता है कि इसकी होती है, इंजन के ऊपर बैठे हैं ना हम, इंजन होता है उसके सीट्स के नीचे, तो इस वजह से भी ना बड़ी हालत टाइट हुई है। कैसा लग रहा है आपको उमर भाई? बहुत हैवी लग रहा है, बहुत अलग किस्म की गर्मी है। गुड हो गया। अभी जो है यार मैं इधर पहुँचा हूँ लाइट वाले के पास ना, तो ये पहले था रास्ते में यार ये लाइट खुलवा लूँ इसकी ना, तो जब से मैं इसे काम करा के आऊँगा तो ये लाइट जो है ना बनी पड़ी होगी। तो ये आप देख सकते हैं उमर साहब गंदा सा मुँह बनाते हुए। अभी जैसे है ये लाइट ना डिग्गी खोलो, ये लाइट था ना ये ना इतो त्रुटी हुई ना पीस फावने इतो ना ना रिपेयर करने को, हाँ फेल कर दो ना पीस लक्ष्य जो भी है ना ये सेट कर दो। लाइट जो है लाइट वाले को दे दिया, वो जैसे ही जो है ना हम अपना एसी का और ये रेडिएटर का पंखे का और काम करवा देंगे इलेक्ट्रिशियन का, तो वो लाइट बनी पड़ी होगी, तो लाइट के लगने हैं पीस, वो पीस लग जाएगा। कवर चेंज नहीं करा रहे, ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे, गाड़ी करनी है सेल, तो इसीलिए वो लाइट बनी पड़ी होगी। तो भाई चलते हैं इलेक्ट्रिशियन के पास पहले। यार एक तो गर्मी है, वो ऊपर से गाड़ी की जो है रेगजीन वाली कोशिश हो, गाड़ी तो यार ऐसे बन जाती जैसे कोई तंदूर हो, तंदूर तो वैसे ही बनी हुई है। खैर अब जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन के पास, देखते हैं फिर।
क्या सीन बनता आगे वहाँ का दिखाते हैं आपको। जो लगा दी हमने, काम शुरू कर रहे हैं अब इसका, देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। इन पक्का केड़े साइड दे होंदे अगू इन पक्के दे ए वाला मखाले पक्का पेड़ पिछू है ना, पिछू इन पक्का ओंदा मसला है। तो देख दो एसी भी कूलिंग नहीं करेंदा पेंदा बिल्कुल ही। ये जो है अब गाड़ी का काम कर रहे हैं, मैं और उमर जरा जा रहे हैं ऑटो प्लाजा, तो वहाँ से एक चीज़ उठानी है सरकारी से ना, तो वो उठा लें तो फिर चलते हैं। गर्मी यार बहुत ऐसे जैसे कोई लू चल रही हो भाई। ऑटो प्लाजा चलते हैं फिर वहीं चलने के बात करते हैं। हाँ तो मैंने यार ये एक टिश्यू होल्डर लिया है, जो गाड़ी का सनशील्ड होता है ना उसके ऊपर ये क्लिप से है इसके पीछे इनसे लग जाता है। ये जो टिश्यू का डब्बा जो पूरी गाड़ी में घूमने से जो बेहतर एक जगह फिक्स हो जाता है, जो भाई को कह रहा हूँ यार ये जो है ना दे दे। शदीद गर्मी के बाइस अभी मैंने पानी की बोतल लिया, बिस्किट लिया, उमर ने जो है लेमन माल्ट लिया और एक साथ वो लिया। ये साथ ही रोड पर ही है बड़ा ना खोखा टाइप, यहीं हम बैठे हैं अभी। अभी यार पानी पीते हैं यार, कुछ अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट तो हुई हुई है तो फिर आगे जो है ना चलते हैं। वापस आए हैं अभी, कह रहे हैं गाड़ी का काम कर दिया है, तो मैं चेक कर रहा हूँ हीट की सुई तो हाई ही खड़ी है। कह रहे पंखे के कोई मसला नहीं था, ग्रिप में लूजिंग थी वो सेट कर दिया है। कह रहे हैं अभी ऐसे चलाया गाड़ी का, देखता हूँ तो क्या सीन है। अभी मसला तो वही है, हीट की सुई तो ऊपर ही खड़ी है और ऐसे चलाया मैंने अभी ना फुल कर दिया मैंने ना, देखते हैं फिर क्या मसला इसका। खड़े हैं और शॉप के बाहर ही अभी ट्राई लगा के आया हूँ गाड़ी की, तो गाड़ी का एसी का मसला है तो अभी दोबारा जो है ना इसका चेक कर रहे हैं उस्ताद जी, देखो क्या बनता है। फिर अभी कंप्यूटर भी लगा रहे हैं और चेक कर रहे हैं, शायद जो है एसी गैस का मसला है इसका, पाइप लगा के ना एसी गैस पूरी कर रहे हैं। इसकी एलईडी लगी हुई थी फजूल वाली ना, ये उतारी है ठीक है। इसकी तार देखो मैंने अजीब आगे से तक जा रही है। एसी की कूलिंग अब बेहतर हो गई है, काम किया है ना उस्ताद जी ने, तो अब जो है इसका ये तारें उतारनी है और ये जो है ना ये स्पीकरों की तार है ये भी उतारनी है। अभी ये लाइट जो है लटकी रही है, ये उतारते तो अगर अंदर से ना रूम तक सारे साफ और सुथरा हो जाए ना, तो एक्स्ट्रा लाइट्स और चीज़ गाड़ी में। अब आगे गाड़ी की एसी गैस चेक की है और सारा जो है ना फ्रंट पे ना पानी वगैरह रेडिएटर पे मारा है ना, तो पंखे का तो ओके हो गया, वो तो ग्रिप लूज था मैंने आपको जैसे पहले बताया है, और पानी से वगैरह मारा है, गैस चेक की, गैस पूरी की है, तो वो मसला हल हो गया। अब उस्ताद जी कंप्यूटर उठाने के, कंप्यूटर जैसे उठा के आते हैं ना वो उसका लगाते हैं उसमें ना, तक जो चेक लाइट का जो एरर है वो रिमूव हो। हाँ तो यार यहाँ पे उस्ताद जी ने ना ओबीडी स्कैनर लगा के ना चेक कर रहे हैं कि क्या मसला। अभी वो लड़का जो खोल रहा है नीचे से ना इससे जो है प्लास्टिक शील्ड, तो फिर अब लगा के देखेंगे क्या एरर है क्या मसला है, तो फिर इस एरर को जो है ना ये कंप्यूटर से रिमूव कर देंगे, शायद चेक लाइट भी रिमूव हो जाए गाड़ी की। हाँ भाई गाड़ी का काम सारा हो गया है, स्कैनर जो है इसको लगा नहीं है, क्योंकि उसका मसला ये है स्कैनर लगाने का कि फाग का जो सॉफ्टवेयर है और दो ओबीडी लगाए हैं, तो वो फाग कंपनी में लगाना पड़ेगा। बाकी एसी हमारा माशाल्लाह से टक टक चल रहा है, और बाकी जो प्लग की वायर शॉर्ट थी वो भी सेट करा ली हमने, और छोटे छोटे जो काम थे लेडीज़ वगैरह उतारने थे वो फालतू तो उसके वायरिंग में उतार लिया, तो बस अब वो चलते हैं बैकलाइट वाले पर बैकलाइट लगवाते हैं। बाकी दिखाता हूँ ट्रैफिक की। ये देखें जी आप फुल ब्लॉक है ये आठ नवा शहर के पास, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो यही सीन है अभी चल के ना बस से बैकलाइट लगवाते हैं। लाइट बन गई है भाई, जो है लाइट के जो है ना साइडों पर सिलिकॉन लगा रहे, क्योंकि कवर खोला था इन्होंने कवर रिपेयर करने के लिए, ताकि सिलिकॉन इसलिए लगा रहा था कि जो है लाइट वाटरप्रूफ हो जाए और इसमें कोई लीकेज का पानी का मसला ना आए। लाइट को जो है अब यहाँ फिट किया कर रहा है भाई, तो जब फिट कर जाए फिर मैं आपको जो फाइनल लुक दिखाता हूँ। यार वॉइस ओवर अब यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रोड का शोर बहुत और ऑडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब उमर पूछ रहा कि भाई क्या कर रहे हो, मैंने कहा यार वो लाइट भाई सही से लग नहीं रही, तो वो सामान उठाने के तो वैसे इसलिए बैठ के ख्वार हो रहा हूँ गर्मी में लाइट पकड़ के, वो भाई आगे कुछ सामान और उठा के तो लाइट फिट कर रहे हैं दोबारा। हाँ तो भाई गाड़ी का काम हो गया, बैक लाइट लगी, अब घर जाके आपको शॉर्ट ऐड कर दूंगा दिखा दूंगा। अभी बाहर रुकने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, गर्मी से ऐसी हालत है ना कि मरते हैं। सीट तक दो मिनट गाड़ी खड़ी करो सीट तप जाती है गाड़ी की, तो बहुत आज ख्वारी हो गया लगे इतने देर में ना, तो
दूसरी बात यह है कि जो मर्जी कर ले गाड़ी का यार, ऐसी गाड़ी का होता है ये कैरेट डब्बा टाइप है, इस कैरेट डब्बे का कितना ए सी है तो इतनी खास फर्क नहीं, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। तो बस अब घर जा रहे हैं तो तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।